जरूरतमंद छात्रों की शैक्षिक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 2002 स्कूली लड़कियों को साइकिलें वितरित की जा रही है और अगले विजयादशमी में 5000 जरूरतमंद लड़कियों को और साइकिलें वितरित करेंगे। ऐसी घोषणा विधायक किशोर जोरकीवार ने स्कूली बच्चों के साइकिल वितरण समारोह में की। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता है वह वास्तव में समृद्ध माना जाता है। चाहे वह माता महाकाली महोत्सव के माध्यम से 9999 कन्या पूजन हो या स्कूली लड़कियों को साइकिल वितरण, मुझे नारी शक्ति का सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। विधायक किशोर जोरकीवार ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि शिक्षा पूरी नहीं कर पाने का दर्द बहुत बड़ा होता है, इसलिए कई जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जिन्हें लाभ नहीं मिला अगली बार साइकिल देकर उनकी शैक्षणिक यात्रा को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। सबके सहयोग से शहर का विकास करने का अवसर मुझे मिला है। पवित्र दीक्षा भूमि के विकास के लिए 56 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। हमें खुशी है कि उनमें से 8 छात्रों को अध्ययन के लिए 11 स्थानों पर शुरू किया गया है। अम्मा का टिफिन उसके पास जाता है जिसका कोई सहारा नहीं होता है। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधायक निधि का उपयोग शहर के विकास में किया जाएगा। विधायक किशोर जोरकीवार ने कहा कि उनका हर कदम वंचितों के विकास के लिए होगा। इस मौके पर स्कूली छात्राओं और उनके अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। सुबह 8 बजे से आए सभी छात्र छात्राओं को नाश्ता कराया गया। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक विपिन पालीवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। साइकिल वितरण समारोह अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उपायुक्त मंकेश खौले, उपायुक्त रविन्द्र भेलावे, सिटी इंजीनियर विजय पुरीकर, सहायक आयुक्त शुभांगी सूर्यवंशी, अक्षय गाडली, संतोष गर्गिलवार, चांदा क्लब सचिव डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित, नाकेश नीत, चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र और शिक्षक उपस्थित थे। इस भव्य दिव्य स्कूली बच्चियों को साइकिल मिलने से बच्चियों और उनके परिजनों के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। आने वाले दिनों में 5000 साइकिल वितरण की विधायक किशोर जोरकीवार ने की घोषणा से स्कूली बच्चियां आस लगाए इंतजार कर रही है कि हमें साइकिल कब मिलेगी। मैं सर्वप्रथम आपका सर्वांना विजयादशमी ऐसी शुभकामना देतो आणि या विजयादशमी ऐसी शुभकामना देत असताना आपण एक सीमोल्लंघन करणार आहात। एक प्रत्येक पाऊल त्या ठिकाणी लिहिला गेलेला आहे सायकलवर की प्रत्येक पायडल शिक्षणाकडे। मध्ये विचार आला की असे कित्येक विद्यार्थी असतील ज्यांना शिकायचं आहे, पुढे जायचं आहे, परंतु काही सोयी सुविधांच्या अभावामुळे शिक्षण घेता येत नाही। आणि साहेब, आपण सगळे लोक या ठिकाणी बसलेले उच्च शिक्षित आहात। मी जरी त्या विधानसभेमध्ये कायदा करीत असलो तरी पण माझं शिक्षण मधातून सुटलेलं आहे। आणि जगामध्ये माणसाच्या पैसे नसले तर चालते, परंतु शिक्षण सुटण्याचं जी वेदना आहे, जे दुःख आहे, ते मला माहिती आहे। आणि मग त्याच दिवशी संकल्प केला की या विधानसभेमध्ये मी 2000 सायकल द्यायचा त्या दिवशी निर्णय केला। आणि तो आज निर्णय प्रत्यक्ष येत असताना मला या ठिकाणी आनंद येत आहे। पण पुढच्या काळामध्ये 5000 सायकल मी या ठिकाणी देईल हे सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला सांगू इच्छितो। प्रत्येक पाऊल शिक्षणाकडे जसा तुमचा हा ब्रीद आहे, तसंच प्रत्येक पाऊल समाजातल्या वंचित माणसाच्या दिशेने असेल हे सुद्धा आजच्या या विजयादशमीच्या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो। मला तुम्ही अधिकार दिलेला, शेकडो कोटी रुपये वाटपाचा अधिकार दिलाय, ते मी पैसे कुठेही देऊ शकतो, परंतु मी माझा निधी देत असताना प्रत्येक काळजीपूर्वक विचार करत असतो की आपला जो सरकारने आपला जो पैसा दिलेला, जे संविधानाने जे आपल्याला अधिकार दिलेला, त्याचा योग्य वापर करत जे गरिबांसाठी आहे, जे शेवटच्या लोकांच्या साठी आवश्यक आहे, त्या सर्व गोष्टी केल्या पाहिजे ही भूमिका ठेवत आजचा हा कार्यक्रम आपण करतो आहे। धन्यवाद व्यक्त करतो आपल्या चंद्रपूर शहराचे माननीय आमदार, ज्यांनी संकल्पना केली की खनिज प्रतिष्ठान निधीतून आपल्याला विद्यार्थिनींना शिक्षणा करता आणि आरोग्या करता सायकल देण्यात यावी। आणि याचं जो आपण टॅगलाईन ठेवलेली आहे, प्रत्येक पायडल शिक्षणाच्या दिशेने, प्रत्येक पाऊल शिक्षणाच्या दिशेने, प्रत्येक मुलगी शिक्षणाच्या दिशेने आणि आरोग्याच्या दिशेने या माध्यमातून जाणार आहे। खऱ्या अर्थाने या शिक्षणाच्या सायकलच्या माध्यमातून मुलींना शाळेपर्यंत पोहोचण्यास आणि त्यांचं आरोग्य राखण्यास मदत होणार। आणि तसंच यंग चांदा ब्रिगेडचे जे नियोजन सहभागी असणारे कार्यकर्ते होते, त्यांनी इतकं सुंदर नियोजन इथे केलं। प्रत्येक विद्यार्थी सायकलपर्यंत बसला पाहिजे, त्याला नाश्ता मिळाला पाहिजे, त्याला आंबागा टिफिन पोहोचला पाहिजे, ही सर्व व्यवस्था इथे करण्यात आली। मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। चांदा क्लब से इन बिसेन न्यूज के लिए सुनील तायडे की एक्सक्लुसिव रिपोर्ट।